डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा, चलो जरा बोलो। तो रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक इन अ देखिए, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले रहा है, ठीक है। तो वहां पे हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड है, किसी कंपाउंड में जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले ले रहा है, तब उस समय हम उसको बोलते हैं कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस हो जा रहा है, ठीक है। जैसे हम आपका कहें, एक है आपका Fe+, एग्जाम्पल की बात करूं मैं बेटा आपसे, तो क्या है Fe+ CuSO4 की साउथ। हाँ, AQ का मतलब एक्वेस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एक्वेस, ठीक है। और एस, हाँ, तो ये आपका दे रहा है बेटा Cu+ देखिए इसमें देखिएगा बेटा, देखिए यहां पे आपका ये क्या था, CuSO4 था ना, क्या था, CuSO4, हाँ CuSO4, ये आपका कॉपर सल्फाइड था, ठीक है। देखो यह एकदम सेम डिफिनेशन, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ पे Cu यहाँ आ गया और ये फिर यहाँ चला गया, मतलब Cu का प्लेस किसने ले लिया, Fe ने ले लिया, ठीक है। Fe का मतलब आयरन होता है, आयरन सल्फाइड, ठीक है, कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, ठीक है। तो यहां पे आपका होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, हाँ, समझ में आ गया बेटा। कोई ऐसा बालक जिसको समझ में ना आया हो, ठीक है। आप दूसरा एग्जाम्पल आप लोग स्वयं से करेंगे, टू थ्री, कितने एग्जाम्पल दिए गए हैं, फोर, ये होमवर्क है, डू बाई योर सेल्फ। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, किसी बालक को कोई समस्या, बालक या बालिका कोई भी, किसी कोई समस्या नहीं है बेटा, आगे बात करें, आगे बात किया जाए। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका हो गया बेटा।
हाँ बेटा, अगला आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट से। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा। चलिए जयराम बोलिए। रिएक्शन इन विच, दिख रहा है बेटा वहां पर? हाँ, टू कंपाउंड इंटरचेंज देयर, देयर नहीं होगा, डियर होगा। वन सेकेंड, वो डियर है, देयर नहीं बोला जाएगा बेटा, वो डियर है। ठीक है, टी एच ई आई आर है तो उसको डियर बोलते हैं, देयर नहीं। ठीक है, इंटरचेंज देयर, इंटरचेंज देयर, उसके बाद क्या है, देयर आयन, इन दियर एक्सप्रेस फॉर्म न्यू कंपाउंड चलिए एग्जाम्पल की बात करता हूँ बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में आप समझ लीजिए बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कह रहा है, रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स इंटरचेंज देयर आयन, मतलब दो कंपाउंड होंगे, दोनों कंपाउंड एक दूसरे से अपने अपने आयन को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, अपने अपने आयन को चेंज करेंगे। ये भी टू टाइप्स का होता है, ठीक है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका प्रिसिपिटेन या प्रिसिपिटेशन, ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है, और दूसरा आपका होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, बेटा सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो पहले इसको आप इतना लिखने के बाद में आप लिखिएगा, इट इज टू टाइप। ठीक है, नंबर वन है आपका प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखिए क्या होता है, कह रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन प्रोडक्ट फॉर्म्ड एन इनसॉल्युबल सॉलिड, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि इसमें से एक सॉलिड मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉलिड मिलेगा जो प्रेसिपिटेट कहलाएगा। ठीक
ठीक है, जिसमें इनसॉल्वल नहीं होगा लेकिन वो सॉलिड होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे बी ए एग्जाम्पल आप देखिएगा सीधा, बी ए सी एल टू, इसका एग्जाम्पल सीधा देखिएगा बेटा, आपका है बी ए सी एल टू प्लस प्लस एच टू एच ओ फोर बी ए एस ओ फोर, ये इस एरो को बेटा पीपीटी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे प्रिसिपिटेशन है, ये प्रिसिपिटेशन है, प्रिसिपिटेट है। ठीक है, बी ए एस ओ फोर जो आपका है, इसमें बेटा आपका एक सॉलिड है जो बेरियम है, ठीक है, जिसको आप बेरियम बोलते हो, ये आपका सॉल्वल नहीं है एस ओ फोर में, सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या कुछ भी जो भी जिसमें आता है आपका सल्फाइड में आता है। ठीक है, वैसे एच टू एस ओ फोर है तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में था। ठीक है, एक एसिड का एक फॉर्म यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट इसीलिए बन रहा है यहाँ पे। उसको नीचे डाउन एरो से इसको डिफाइन वो करते हैं, सिंबलाइज करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपका क्या बचा है अभी? हाँ, टू एच सी एल, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। हो गया बेटा, समझ में आया आप लोगों को? आगे बात करें, चलिए बाकी के एग्जाम्पल्स आप अपने मन से कर लीजिएगा। हाँ, सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है बेटा, एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल। प्रिसिपिट इसमें इससे लिखना है, प्रिसिपिटेशन वाले में से लिखना है पूरा पूरा बेटा, नहीं समझ नहीं पाएंगे। अब न्यूट्रलाइजेशन, हाँ, ठीक है, चलिए अब इसके बाद में न्यूट्रलाइजेशन है बेटा। न्यूट्रलाइजेशन सिंपल सा है, देख लीजिए, CuO प्लस H2SO4, ठीक है, इसका CuO में दोनों में देखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, Cu के प्लेस पे H2 आ जा रहा है और H2 के प्लेस पे Cu आ जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? H2 के प्लेस पे Cu आ जा रहा है और Cu के प्लेस पे H2 आ जा रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, नहीं है। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन, रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंट तो सब है इसमें, लेकिन ये भी आपके लिए एक अलग चैप्टर ही मिलेगा इंटर में जब आप पहुंचेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा इसको, फिलहाल आज तो आपके लिए इतना ही काफी है। हाँ, इतना आप लोग करके आज हमको सेंड करिए, और उसके बाद में आप लोगों को होमवर्क में पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है। ठीक है, रीड द टॉपिक वेरी केयरफुली, और टॉपिक है बेटा आपका ऑक्सीडेशन नंबर टू है आपका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन रिएक्शन क्या है, आगे रिएक्शन लिख लीजिए। ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर करके आप लोगों को घर से आना है कल। कल मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पुटअप करूंगा, अगर आप लोगों ने आंसर दिया तो मैं मानूंगा कि आप लोग घर से पढ़ करके आए हैं, यदि आप लोगों ने आंसर नहीं दिया तो मैं मानूंगा कि आप लोग घर से पढ़ करके नहीं आए हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बेटा, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं। ठीक है, कल संभवतः इसमें से पूछ सकता हूँ बेटा, मैं आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता हूँ या इसकी डिफिनेशन पूछ सकता हूँ, जो कुछ भी आप पढ़े रहेंगे और जो भी आपके बुक में दिया गया होगा उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता हूँ। तो इसलिए आप लोग इसको समझ करके अच्छे से आएंगे, पढ़ करके आएंगे बेटा। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, सी, यस बेटा।
बेटा ये करवा देंगे, हो जाएगा, चैप्टर 5 ओनली आएगा यूनिट टेस्ट में, ठीक है। हाँ यूनिट टेस्ट में ओनली चैप्टर 5 आएगा और ओनली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है, समझ गया क्या हुआ? हाँ ओनली, नहीं, ओनली चैप्टर 5, ओनली चैप्टर 5, ठीक है, 20 मार्क्स का आपका होगा। कल से, वैसे कल चैप्टर फिनिश करने के बाद रिविजन स्टार्ट करेंगे, कल चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर आपको कर बेटा। फिजिक्स में भी एक ही चैप्टर आपका आएगा, एक ही आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ उसमें भी चैप्टर 5 ही आएगा, ठीक है, देन ओके, वेलकम बेटा, बाय बाय बेटा, सी यू, देख मेरे बेटा।